जय हिंद। आपका शिव प्रसाद चौधरी। अभी हम वाचन करने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लघु कथा सौदागर और कप्तान। मित्रों, वैसे लघु कथाएं हमें सीख देती हैं, और फिर निराला जी का क्या कहना। तो चलिए वाचन करते हैं सौदागर और कप्तान। एक सौदागर समुद्री यात्रा कर रहा था। एक रोज उसने जहाज के कप्तान से पूछा, कैसी मौत से तुम्हारे बाप मरे? कप्तान ने कहा, जनाब, मेरे पिता, मेरे दादा और मेरे परदादा समंदर में डूब मरे। सौदागर ने कहा, तो बार बार समुद्र की यात्रा करते हुए तुम्हें समंदर में डूबकर मरने का खौफ नहीं होता? बिल्कुल नहीं, कप्तान ने कहा। जनाब, कृपा करके बतलाइए कि आपके पिता, दादा और परदादा किस मौत के घाट उतरे? सौदागर ने कहा, जैसे दूसरे लोग मरते हैं, वे पलंग पर सुख की मौत मरे। कप्तान ने जवाब दिया, तो आपको पलंग पर लेटने का जितना खौफ होना चाहिए, उससे ज्यादा मुझे समुद्र में जाने का नहीं। विपत्ति का अभ्यास पर जाने पर वह हमारे लिए रोजमर्रा की बात बन जाती है। वाचन पूरा हुआ दोस्तों। अगर आपको ये वाचन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए चाहे तो, पर अनलाइक मत कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वाचन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, ये मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।